नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल भगवान लोक पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। जय माता लक्ष्मी। दोस्तों, माँ लक्ष्मी करेंगी आपके ऊपर धन की वर्षा, बस चुपचाप फेंक देना यहाँ पर 5 जीरे के दाने। रातों रात बन जाओगे आप करोड़पति। महालक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन काल में होती रहेंगी धन की वर्षा। दोस्तों, शायद ये बात आपको पता ना हो, आपके घर के रखे कई ऐसे मसाले होते हैं जिनका यदि आप सही तरह से उपाय करें तो जीवन में चल रही समस्त तरह की परेशानियों से आपको जल्द की जल्द मुक्ति मिल सकती है। और उन्हीं मसालों में से एक मसाला है जीरा, जिसका इस्तेमाल वैसे तो आप लोग खाने के स्वाद को बढ़ाने के लिए करते हैं, परंतु यह बात आपको पता नहीं होगी कि जीरे यदि सही तरह से उपाय किए जाए ना सिर्फ जीवन की हर तरह की परेशानियों से आपको जल्द की जल्द मुक्ति मिल सकती है, बल्कि आपको साक्षात मां लक्ष्मी जी का वरदान और आशीर्वाद भी मिल सकता है। ज्योतिष शास्त्र में जीरे के कई ऐसे उपाय बताए गए हैं जिनका इस्तेमाल करके ना सिर्फ आप अपने ग्रहों को मजबूत कर सकते हैं बल्कि जीवन में चल रही धन संबंधित परेशानियों से भी मुक्ति पा सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जीरे जो घर के खाने का स्वाद बढ़ाने का काम करता है, यदि उसका उपाय ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ठीक तरीके से सही मुहूर्त पर किया जाए तो आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी का इस तरह से वरदान हासिल हो सकता है जिसके पश्चात ना सिर्फ आपके जीवन से धन संबंधित परेशानियां समाप्त हो जाएंगी बल्कि आपको मां लक्ष्मी जी का वरदान और आशीर्वाद मिलेगा जिसके पश्चात आपके जीवन काल में सदैव धन की वर्षा होती रहेगी, आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। दोस्तों, जीरे से जुड़े हुए उपाय करने से घर में सुख समृद्धि तो आती ही आती है। इसका उपाय यदि सही तरीके से किया जाए तो आपकी आर्थिक स्थिति भी बहुत ही मजबूत रहती है। कहा जाता है कि जीरे का सही तरह से उपाय करने से जीवन में आ रही लगातार जो कठिनाइयां होती हैं वो समाप्त हो जाती है, आपके जीवन की समस्याएं भी समाप्त जाती हैं। दूसरी तरफ आपका भाग्य इस तरह से आपका साथ देना शुरू कर देता है जिसका आप जिस काम को भी शुरू करते हैं उस काम में आपको सफलता मिलती है। दोस्तों, मान लीजिए आपकी कुंडली में वास्तु दोष है, मंगल दोष है, शनि दोष है, आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां हैं जिससे आप बहुत ज्यादा टूट चुके हैं। आप अपने जीवन में यह देख रहे हैं कि आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है, आपको किसी ऐसी बीमारी ने जकड़ लिया जिसका आप इलाज करा करके थक गए हैं परंतु कोई लाभ नहीं मिल रहा है। सिर्फ आज के इस वीडियो को लास्ट तक अंत बिना भगाए देख लीजिए। आपको हम ज्योतिष शास्त्र और तंत्र शास्त्र के अनुसार जीरे के उन उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका उपाय यदि आप सही मुहूर्त पर सही तरीके से करते हैं तो हर तरह की परेशानियों से आपको चुटकियों में मुक्ति मिल जाएगी। इसीलिए दोस्तों, इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक अंत तक देखिएगा क्योंकि दोस्तों जीरा एक बहुत साधारण सी चीज है जो बड़े आराम से मिल जाती है, परंतु इसका उपाय कैसे करना है आपको वहां आपको पता नहीं होगा। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा, तंत्र शास्त्र में जीरे के उपाय को सबसे उत्तम उपाय बताया गया है। कहा तो यहां तक गया है कि यदि कोई मानव मां लक्ष्मी जी का आशीर्वाद हासिल करना चाहता है और वह सिर्फ का उपाय और जीरे का उपाय मां लक्ष्मी जी के सामने सही दिन पर और सही मुहूर्त पर कर ले तो उस मानव को साक्षात मां लक्ष्मी का वरदान और वह आशीर्वाद मिलता है जिसके पश्चात उस मानव को कभी भी जीवन में धन की कोई कमी नहीं होती है। इसीलिए दोस्तों, यदि आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, मां लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा हो और आपको कभी भी धन की कोई कमी ना हो, मां ने लक्ष्मी जी आपके घर पर बांस करने आए और मां लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप जिस काम को भी शुरू करें उस काम में आपको सफलता हासिल हो, तो पहले तो आप पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जल्द से जल्द लिख दीजिए जय महालक्ष्मी। और एक काम की कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जिस उपाय को करके आप कोई भी लाभ पा सकते होंगे दोस्तों को कि हम आपके कमेंट का रिप्लाई में बता देंगे, परंतु इसके लिए आपको वीडियो लाइक करना पड़ेगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालनी पड़ेगी। सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने वाले हैं वो है कर्ज मुक्ति का मार्ग। उपाय दोस्तों,
ये बात शायद आपको ना पता हो, जब एक मानव कभी भी कर लेता है तो मान के चलिए उसकी रातों की नींद गायब हो जाती है। वो खाना ठीक से नहीं खा पाता है, उसकी इतनी परेशानी आ जाती है, इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। सत्य और आप भी यदि उन व्यक्तियों में से हैं जिसने कोई कर्जा ले रखा है, तो आज हमें एक उपाय बताना है। यह उपाय यदि आपने कर लिया तो आपके जीवन में चल रही धन संबंधित परेशानियां तो आराम से समाप्त हो जाएंगी। यदि आप चाहते हैं कि आपका कर्जा पूरी तरह से हो जाए, तो इस उपाय को करने के लिए आपको 5 शुभ प्रभाव या उपाय करना होगा। अब शुक्रवार का ही दिन क्यों, तो जो शुक्रवार का दिन होता है वह मां लक्ष्मी जी को समर्पित होता है। शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती है और अपने दोनों हाथों से परकृपा बरस साथ ही है। और यहां जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं, ये उपाय करने के पश्चात आपको माता लक्ष्मी जी की कृपा हासिल होगी, जिसके पश्चात आपका कर्जा पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। देखिए, 5 सप्ताह आपको यह उपाय करना है। 5 सप्ताह मतलब 5 शुक्रवार, और 5 सप्ताह तक आप तामसिक भोजन नहीं कर सकते। तामसिक भोजन का मतलब शराब, मदिरा, गुटखा, पान, मसाला, मछली, अंडा, ये सब चीजें आप नहीं खा सकते हैं इस चीजों को छोड़ने के। अब आपको पहले शुक्रवार को सुबह उठना है, नहाना है, धोना है, लाल कपड़े पहनना है। माता लक्ष्मी जी की पूजा में लाल कपड़े पहने हैं खुद ही शुभ होता है। अब आपको एक लाल कपड़ा लेना है। लाल कपड़े में आपको एक मुट्ठी जीरा रखना है। एक मुट्ठी जीरा के ऊपर 1 रुपये का सिक्का रखना है। इस लाल कपड़े को आपको मूली धागे से बांध करके एक पोटली बना लेनी है। माता लक्ष्मी जी के मंदिर चले जाइए। माता लक्ष्मी जी के मंदिर के बाहर जो भी बैठा हो या पोटली, उसको दान कर दीजिए। इतना उपाय 5 सप्ताह कर लीजिए। माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपका कर्जा पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। जिस कर्ज के बोझ में आप लोग दबे हुए चले रहते हैं, उस कर्ज के बोझ से आपको आराम से मुक्ति मिल जाएगी। दूसरा उपाय हम आपको जो बताने वाले हैं, हैं घर की बरकत का महा उपाय। देखिए दोस्तों, शायद ये बात आपको पता ना हो, जब आपके घर की उन्नति होती है, आपके दोस्त यार, नातेदार, रिश्तेदार घर पर ऐसी नजर लगा देते हैं जिसके पश्चात आपके घर की बरकत रुक जाती है। और शायद ये बात आपको ना पता हो, इतनी बुरी चीज होती है जो हरे वृक्ष को भी सुखा देती है। और मान लीजिए आपके घर की बरकत नहीं हो रही है, आपके घर की उन्नति नहीं हो रही है, आप चाहते हैं आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो, तो आपको हम एक आसान सा उपाय बताने आ रहे हैं। यह उपाय यदि आप लोग नहीं, मंगलवार की सूर्यास्त के पश्चात, तो दोस्तों आपके घर की बरकत भी होगी, आपके घर की उन्नति भी होगी, परंतु यह 3 मंगलवार आपको करना है। 3 मंगलवार करने के पश्चात आपके घर से नकारात्मक शक्तियां समाप्त हो जाएंगी और आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। आपको एक मिट्टी का दिया लेना है। मिट्टी का दिया के अलावा यदि आप लोग पीतल का पात्र ले लें तो और भी ज्यादा शुभ होगा। उसमें आपको जिनके 51 जीरे के दाने रखनी है, 3 काली मिर्च रखनी है, लौंग रखनी है, बस इतना आपको रखना है। आपको यह जलाना है और इसका धुआं पूरे घर में दिखाना है। 3 मंगलवार ये उपाय कर लीजिए, आपके घर से सारी नकारात्मक शक्तियां समाप्त हो जाएंगी और आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। इसी तरह से दोस्तों, अब मान लीजिए आपके ऊपर कोई दोष हुआ है, मतलब मान लीजिए आपको किसी ने नजर लगा दी है, आप इस चीज को लेकर के बड़ा परेशान है, करते हैं कि इन तरह दोषों से, इन तरह की बुरी नजरों से आपको मुक्ति मिल जाए, तो एक सरल सा उपाय हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए, ये उपाय आपको शनिवार के सूर्यास्त के पश्चात करना है। सूर्यास्त के पश्चात कभी भी एक ही शनिवार को कर लीजिए, आपको जल्द ही लाभ देखने को मिल जाएगा। यदि आपका से नजर आपको लगी, आपको अंदर महसूस हो रहा है, तो आपको क्या करना है, शनिवार के सूर्यास्त के पश्चात 1 मुट्ठी जीरा लीजिए। 1 मुट्ठी जीरा देने के पश्चात इसको अपने सर के ऊपर बाईं ओर से दाईं ओर, बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, बाईं ओर से दाएं ओर इस जीरे को घुमाना है। आपको घर के सामने जो भी आपके सड़क पड़ती है, उस सड़क के दूसरी तरफ इस जीरे को शनिवार के सूर्यास्त के पश्चात फेंक देना है। इतना उपाय कर लीजिए, आपके ऊपर जो भी नजर लगी होगी, यह जीरा उस नजर को सोख करके अपने साथ ले जाएगा और आपके ऊपर से नजर सदैव के लिए समाप्त हो जाएंगी। बस बात का ध्यान रखिएगा, यह उपाय सिर्फ शनिवार दिन किया जाता है। दोस्तों एक बात का ध्यान रखिएगा,
यदि किसी मानव का राहु केतु उसका साथ नहीं देगा, वह मानव कितनी ही मेहनत कर ले, कितना ही भ्रम कर ले, वह कभी भी आगे नहीं जा सकता है। और राहु केतु जिस मानव का साथ देता है, वह मानव यदि निर्णय भी ले ली, उस गलत निर्णय से भी उसको फायदा पहुंचता है। और यदि आप चाहते हैं आपका राहु केतु आपका साथ दे, आप जो भी निर्णय ले उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचे, तो आपको विष्णु जी की शरण में जाना होगा। एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, किसी भी मानव के राहु केतु का जो नियंत्रण होता है वह भगवान विष्णु जी के हाथ में होता है। और आपने यदि भगवान विष्णु जी को पसंद कर लिया है तो आपको साक्षात मां लक्ष्मी जी का भी आशीर्वाद मिलेगा। तो आपको क्या करना है, देखिए ये उपाय करने के लिए आपको तीन बृहस्पतिवार या उपाय करना होगा। तीन बृहस्पतिवार का मतलब आप तीन बृहस्पतिवार तामसिक भोजन नहीं करते हैं, गुटखा पान मसाला शराब मदिरा ये सब आप बिल्कुल सकते हैं। तीन बृहस्पतिवार या उपाय करने के पश्चात आपका राहु केतु सदैव आपका साथ देगा। जो भी आप निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा। बहुत ही आसान सा उपाय है, आपको क्या करना है, बृहस्पतिवार का दिन होता है वह भगवान विष्णु जी का दिन होता है। आपको सुबह उठना है, नहाना है, धोना है, आपको पीले कपड़े पहनने हैं, क्योंकि भगवान विष्णु जी की पूजा जब भी पीले कपड़े पहने जाएं तो वह पूजा जल्द सिद्ध हो जाती है। आपको पीले कपड़े पहनने हैं, एक लोटा लेना है, तांबे का लोटा लीजिए, उसमें पूरा जल भर लीजिए, एक मुट्ठी जीरा लीजिए, आप किसी भी पीपल के वृक्ष के पास जाइए। आप पीपल के वृक्ष के पास क्यों जाना है, क्योंकि पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु जी का, पीपल के वृक्ष के पास जाइए। सबसे पहले ये जो जीरा आपने एक मुट्ठी लिया है, यहाँ आपको पीपल वृक्ष के दक्षिण तरफ वहां है, दक्षिण तरफ आपने बहा दिया, आप ये एक लोटा लीजिए, पीपल के वृक्ष को अर्पित कीजिए। इस जल को पीपल वृक्ष के साथ परिक्रमा की कीजिए। साथ परिक्रमा करते वक्त भगवान विष्णु जी का बीज मंत्र बोल दीजिएगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों को, नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस बीज मंत्र का कम से कम आपको 7 बार जाप करना है। जितनी बार चक्कर लगाएंगे 7 बार, उतना ज्यादा आपको करना है। यह उपाय लोग से बृहस्पतिवार कर लीजिए। तीन बृहस्पतिवार करने के पश्चात आप खुद देखेंगे कि आपके राहु केतु आपका साथ देना शुरू कर देंगे। आप जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।